हे गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा ऑफिस मेकअप लुक। और ये मेरा वे है, हो सकता है आप थोड़ा डिफरेंट लुक क्रिएट करते हो, बट दिस इज़ माय वे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड सी हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस लुक। तो रोज़ सुबह नहाने के बाद मैं सबसे पहले अपना बेसिक स्किन केयर फॉलो करती हूँ, जिसमें होता है टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और इसके बाद ही मैं फॉलो करती हूँ अपने सारे मेकअप के स्टेप्स को। तो जो सबसे पहला स्टेप मैं फॉलो करने वाली हूँ, स्किन केयर मैं आपको नहीं शो करूँगी बिकॉज ये ऑफिस मेकअप लुक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिस मेकअप लुक में जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ उसी को शो करने वाली हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं डेली। ये तीन बीबी क्रीम्स हैं जो डेली मैं प्रेफर करती हूँ फॉर माय डेली लुक। तो जिनमें से पहला है लैक्मे का 925 सीसी क्रीम इन द शेड आलमंड। और आप इसकी बहुत बुरी हालत देख रहे होंगे, रीज़न इसका ये है कि बेबो ने इसे कई जगह से कट कर दिया है तो लीकिंग होती रहती है। और जो मेरा सेकंड ऑप्शन होता है वो है मेरा स्टेक विर्की का ये सीसी क्रीम। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ दिस पॉन्ड्स बीबी क्रीम। इन तीनों में से मुझे जो हैंडी होता है और जो मुझे कंफर्टेबली मिल जाता है, मैं उनमें से किसी को भी यूज़ कर लेती हूँ। लिटरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिकॉज इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली मुझे मैच करता हो। स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो यूनिवर्सल कलर है, इसके अलावा और कोई शेड नहीं है पॉन्ड्स बीबी क्रीम में। तो ये वो शेड है जो ऑलमोस्ट सभी इंडियन स्किन गर्ल्स को सूट करता है, बट एक्चुअली वे नहीं करता है। रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन कलर से मैच नहीं करता है। ये थोड़ा सा लाइट है टेक्सचर में, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इसलिए आई एम गोइंग टू ट्राई इट। ये है पॉन्ड्स बीबी क्रीम का शेड और इसमें एक ही शेड आता है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो मेरी स्किन पे ये काफ़ी लाइट है, ऑल दो इट क्लेम्स कि ये सभी ऑलमोस्ट सभी इंडियन स्किन को मैच करता है, बट ऑन अ डेली बेसिस ये मैच नहीं करता है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो ये मेरा पहला ऑप्शन था जो मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, बट बहुत लाइट अमाउंट में लेती हूँ, मतलब बहुत थोड़ा सा लेती हूँ बिकॉज ये आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा लाइट है। सेकेंड जो मेरा ऑप्शन होता है ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है मेरा ये सीसी क्रीम फ्रॉम स्टेक विर्की एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं है एंड ये डार्केस्ट शेड है, इनमें जो भी ऑप्शंस थे उनमें से सबसे डार्केस्ट शेड यही था और तब भी ये मेरे स्किन के अकॉर्डिंग लाइट है। एंड थर्ड ऑप्शन जो है मेरे पास वो है लैक्मे का 925 सीसी क्रीम इन द शेड आलमंड। इसमें भी फोर शेड्स आते हैं और ये वाला शेड जो है सबसे डार्केस्ट शेड है इनका। अच्छा, मैं इसे निकाल रही हूँ तो ये और भी जगहों से निकल रहा है। तो दिस इज़ द आलमंड शेड। तो ये वो तीन ऑप्शंस हैं जो ईजिली अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में। और सीसी क्रीम जो ये आपको स्टेक विर्की का, ये आपको पर्पल से ही खरीदना पड़ेगा, अभी तक ये मार्केट में नहीं आया है। इसका जो शेड है वो मेरे पास है 03 एल सैटियन, तो ये इसका नाम है। दिस इज़ हाउ द नेम इज़। तो आज के ऑफिस लुक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टेक विर्की का ये सीसी क्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, नेक पे भी लूँगी ताकि मेरे फेस से मेरा नेक जो है वो मैच करे, के बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। सबसे अच्छी बात इस सीसी क्रीम की इन तीनों में ये है कि ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपके स्किन के साथ। ये वाइट पैच नहीं छोड़ता है जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आप लैक्मे का 925 सीसी क्रीम भी यूज़ करते हैं या आप पॉन्ड्स यूज़ करते हैं तो आपको दोनों में वाइट पैचेस मिलेंगे। तो अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो काफ़ी ज़्यादा वाइट पैची फेस आपका नज़र आ सकता है, ऐसा लगेगा कि आपने बहुत लाइट कलर का कुछ भी अप्लाई कर रखा है अपने फेस पे मेकअप बेस। सो आई जनरली प्रेफर स्टेक विर्की का सीसी क्रीम ओवर 925 लैक्मे 925 एंड पॉन्ड्स बीबी क्रीम बिकॉज ये काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड यू कैन सी काफ़ी ड्यूई है टेक्सचर में। तो मैं इसे सेट करने के लिए कोई भी पाउडर यूज़ कर लेती हूँ एंड जो आज मैं यूज़ करूँगी ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाया था कवर ऑल लूज पाउडर। तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि जितना भी एक्सेस में ये ड्यूईनेस मेरे फेस पे आया है ये एब्जॉर्ब हो सके। तो दिस इज़ हाउ द पाउडर लुक्स। और मैं इसमें डैप करूँगी अच्छे से और एक्सेस को हटाने के बाद से इसे अपने पूरे फेस पे ऐसे अप्लाई कर लूँगी। ये एक अच्छी ट्रिक होती है अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ये थोड़ा सा आपके मेकअप बेस को सेट भी करता है एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, बहुत ज़्यादा आपको स्वेटीनेस नहीं फील होगा। आई नो आई एम लुकिंग क्रेजी बट दिस वर्क्स एक्चुअली। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जैसे मुझे होती है तो ये बहुत देर तक काम नहीं करेगा। ये थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है। एंड देन आई विल बी अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई नेक ऑल्सो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट।
लेकिन उससे पहले मैं इसे कुछ देर के लिए सेट होने दूंगी ताकि ये मेरे अच्छे से पोर्स तक चला जाए और उसे थोड़ी देर के लिए लॉक कर दे ताकि जो भी स्वेटीनेस होगा वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। एंड दैट्स इट, मेरे बाल पे भी लग गया थोड़ा थोड़ा। मैं पहले इसी को हटा देती हूँ। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ सेम मेकअप स्पंज जो इसके साथ आता है। सो दिस इज हाउ आवर फेस विल लुक जब हम इसे सेट कर लेंगे अच्छे से किसी भी लूज पाउडर से। समटाइम्स जब मेरे पास बहुत जल्दी जल्दी होता है तो मैं घर का जो नॉर्मल पाउडर होता है उसी को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ एंड दैट्स हाउ आई मैनेज इट। सो आप देख रहे होंगे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है एंड क्या करूँ, गर्मी बहुत है और आज मैं बाहर शूट कर रही हूँ। सो आफ्टर दिस मेरा सारा फेस का मेकअप हो गया है एंड नाउ आई मूव ऑन टू माई आईज। तो मेरा बेस अब हो चुका है एंड ऑलमोस्ट एवरी डे मैं यही बेस कैरी करती हूँ एंड दिस इज हाउ माई फेस एंड बेस लुक्स। एंड नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा आई मेकअप एंड मेरा लिपस्टिक। एंड आई मेकअप में भी बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट टीचर एंड आई हैव टू टीच, सो आई कीप इट वेरी नेचुरल बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए कि बच्चे मुझे ही देखते रहें और पढ़ना ही भूल जाए। सो कर्लिंग माई आई लैशेज इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ माई मेकअप, तो मैं इसे ज़रूर ज़रूर करती हूँ एंड यू कैन सी ये काफ़ी अच्छे से आपके आईज़ को ओपन करता है एंड दैट्स इट। बट ये सम डेज बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही बस अपना स्किन केयर फॉलो करती हूँ और स्कूल चले जाती हूँ एंड दैट्स इट। मैं और कुछ उसके अलावा नहीं करती हूँ, बट सम डेज जब मेरे पास टाइम होता है तो आई ट्राई टू give my face a natural and glowy look. After that, I'm going to use this Lakme Insta Eyeliner और इससे मैं अच्छी सी विंग क्रिएट करूँगी which is my favorite part in my everyday makeup. So yeah, let's get ready for the eye makeup. And ये काफ़ी liquid होता है तो इसको काफ़ी time देना पड़ता है अच्छे से dry होने के लिए, otherwise आपने जहाँ आँखें खोली ये आपके अपर लिड पर लग जाएगा। तो इसके साथ ये थोड़ा पंगा होता है। तो कभी कभी क्या होता है जब मैं बहुत रश में इसे अप्लाई कर रही होती हूँ और मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ तो मेरी आँखों के ऊपर भी लगा होता है ये। After that, what I am loving these days is a black bindi. So what I do with the same eyeliner, I put a small bindi on my forehead and that's it. And that's it. I love this look. I love, love, love this look. So now, after we are done with our eyes, I am going to use my mascara and this is washable mascara. It is not waterproof mascara because on a daily basis, I do not prefer waterproof mascaras because they directly or indirectly harm our eyelashes. So I prefer these kind of mascaras and sometimes I prefer to use this Blue Heaven Mints mascara and this is also very good. So these two are my favorite on daily basis. So now I'm going to use my mascaras on my eyelashes and frankly speaking किसी किसी दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं use करती हूँ। I run with my eyeliner and lipstick and that's it. Yes, of course I apply my bindi, but because ये video है इसलिए मैं video में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा office makeup जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है and attractive हो सकता है। So I just put my mascara on my both lashes, upper and lower, and that's it. So this is how my eyes look and I love this look because I don't know why I love this look. And after that it's time for my lipstick. So for my daily lipstick I am preferring these days Lakme 925 weightless matte mousse lip and cheek color. And jo mera shade hai isme ye kafi acha shade hai jo dusky girls ke upar kafi acha lagega. It is in the shade coco soft and I'll show you how nice it looks on me. So I prefer these days this lipstick because it automatically brightens up my face and I love this pack. So I'm just going to apply it. So this is how this lipstick looks on me. It's so comfortable to wear. It is very light in weight and it acts as a nice nude lipstick for our skin tone girls. So this is how it looks. And ta-da! We are done with all full face makeup for daily office look. So this is how I carry my look for daily. And if you want, you can add a little bit of blush with the same lipstick whatever you are applying. I just dab it a little bit on my cheeks and I just blend it with my fingers and I am done.
इट गिव्स अ वेरी नेचुरल ब्लश ऑन माई चीक, और मेरे यहाँ पे आईलाइनर लग गया था जो मैंने बाद में देखा, तो मैंने उसे मिटा लिया है. तो प्लीज इग्नोर दैट, बिकॉज मैंने आपको बताया था ये काफी लिक्विड है, बहुत टाइम लेता है ड्राई होने में. सो दिस इज हाउ माई फेस लुक्स नाउ एंड आई एम लविंग इट. सो एवरीवन, दिस इज हाउ आई लुक आफ्टर माई फुल फेस मेकअप. और इस तरह से कुछ मैं जाती हूँ अपनी जॉब पे. एंड या मैंने बोला मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ लिपस्टिक के साथ एंड डेली आईलाइनर लुक के साथ, बट या आई कैरी इट लाइक दिस. एंड यस, मैंने बहुत सिंपल रखा है, नो फाउंडेशन, नो कॉन्टोरिंग, नो ब्लशर. बट यस, मैंने तब भी एक फ्लॉलेस लुक गेन किया है बाई यूजिंग जस्ट अ सीसी क्रीम ऑन माई फेस एंड अ फेस पाउडर टू सेट एवरीथिंग ऑन प्लेस, एंड दैट्स इट. और वैसे भी बहुत गर्मी है, आज मैं फैन ऑफ करके बाहर शूट कर रही हूँ, आज मैं नेचुरल सनलाइट में शूट कर रही हूँ, तो यू कैन सी माई नेचुरल फेस एंड दिस इज हाउ माई फेस लुक्स. मेरे यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्ने स्पॉट्स दिखेंगे जो बहुत पहले थे कॉलेज टाइम पे, बट अभी काफ़ी हद तक फेड हो चुके हैं. आई स्टिल हैव माई हाइपर पिगमेंटेशन ऑन माई फोरहेड जो कि धीरे धीरे जा रहा है, एंड आई होप कि चला जाएगा. मैं अपना स्किन केयर थॉरली फॉलो कर रही हूँ. सो या गर्ल्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज मेकअप. आई होप आपको ये लुक पसंद आया हो. अगर लुक पसंद आया है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड येस, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पे होती है डस्की और डार्क या ब्राउन गर्ल्स को ध्यान में रखते हुए मेकअप की बातें. तो या गर्ल्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. बहुत बकबक हो गई, अब मैं चलती हूँ. टिल माय नेक्स्ट वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ब्लॉगिंग टिल देन. बाय बाय.